आज हम जिस मूवी का एक्सप्रेशन देखने वाले हैं उसका नाम है वेनम द लास्ट डांस, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है, हमें मूवी का विलन दिखाया जाता है जिसका नाम नल है, जो कि काफी खतरनाक है और वो क्लिंटार नाम के प्लेनेट पर कैद होता है जो कि एक जेल है। नल अपनी कहानी बताते हुए हमें बताता है कि काफी पहले रोशनी ने मेरे साम्राज्य को जला डाला, इसकी वजह से नल ने सीपीएट की प्रजाति बनाई। पर नल कहता है कि मेरे ही बच्चों ने मुझे धोखा दिया, सीपीएट ने उन्हें इस प्लेनेट पे लाके कैद कर दिया और अब वो यहाँ निकलने के लिए कोडेक्स नाम की एक चाबी की तलाश में। ये कोडेक्स तब बनता है जब वो सिवियोट अपने होस्ट के साथ उसके मरने के बाद उसे जिंदा करके आपस में बॉन्ड बनाए। और गैस करो ये कोडेक्स किसके पास होगा और किसके पास, यार अपने हीरो एडी ब्रॉक के पास। एडी ब्रॉक और वेनम, हमने वेनम की फर्स्ट मूवी में देखा था कि किस तरह एडी ब्रॉक जब मर जाता है तो वेनम ही होता है जो उसे बचाता है और इसके कारण इन दोनों की बॉन्डिंग की वजह से इनके अंदर कोडेक्स बन चुका है। इसलिए क्रिंटाल पर नल अपने क्रिएट किए गए जेन ऑफ एजेस को उस कोडेक्स को लाने के लिए कह देता है और अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसकी जान बख्श देगा। और इसके बाद नल वहीं पर पोर्टल ओपन करता है और अपने सारे क्रिएचरों को कोडेक्स लाने के लिए भी यूनिवर्स में भेज देता है। और उन पोर्टल के थ्रू जो जेनोफेज अलग अलग पोर्टल में गई थी उनमें से एक जेनोफेज एडी के यूनिवर्स में आ जाती है। अब अर्थ पर कहानी शुरू होती है स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां एडी ब्रॉक अर्थ 616 में होता है और वो एक बारटेंडर से बात कर रहा था। लेकिन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से सारे लोग अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले गए थे, तो एडी भी यहाँ पर उस बार से एक पोर्टल के जरिए अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता है। पर यहाँ पर वैसा ही बार था, सारा कुछ सेम होता है पर बारटेंडर के बाल बस लंबे हो गए थे। और अब इस बार में एडी ड्रिंक कर रहा होता है और वेनम अपने बहुत सारे हाथ निकाल कर एडी के लिए ड्रिंक बनाता है और ये जाते वक्त बार वाले को पे करते हैं जिसमें वेनम का कुछ पार्ट छूट जाता है। जब एडी रास्ते से जा रहा होता है तभी उसे सीसीटीवी कैमरे से कोई देख रहा था। यहाँ पर वेनम एडी से कहता है कि कोई मुसीबत पे, और जब ये लोग उस आवाज का पीछा करके एक बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स को कैद कर रखे थे कुछ लोगों ने। यहाँ एडी उन लोगों को समझाता है कि तुम इन डॉग्स को छोड़ दो, पर वो लोग एडी की बात नहीं मानते और वो एडी पर हमला करने ही वाले होते हैं। तो तभी वेनम आता है और वो उन सभी के सर को कच्चा चबाकर सारे डॉग्स को आजाद करके वहाँ से चले जाता है। जब एडी आगे जा रहा था तो तभी हमें पीछे वही पोर्टल दिखाया जाता है जिससे कि जेनोफेज आया होता है, जो कि वेनम से कोडेक्स को लेने आया था। पर जेनोफेज कोडेक्स को तभी देख सकता है जब वेनम अपने फुल फॉर्म में हो। यहाँ पर जब वेनम ने उन गुंडों के सिर को खाया था तो वो जब अपने फुल फॉर्म में होता है और जेनोफेज को कोडेक्स की तब लोकेशन मिली थी, पर अब वो एडी के फॉर्म में है जहाँ पर जेनोफेज को कोडेक्स की कोई भी लोकेशन नहीं मिल रही होती और इसलिए वेनमेज वहाँ से चुपचाप चले जाता है। अब हमें एरिया 51 को दिखाया जाता है जिसे गवर्नमेंट के आदेश पर मिलिट्री 3 दिनों में बंद कर देने वाली थी क्योंकि अब वहाँ पर ना ही कोई रिसर्च हो पा रही थी और तो और वहाँ पर टूरिस्ट आकर और ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया करते थे। एरिया 51 को डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जनरल ड्रिस्टिकलैंड को, जो कि एक एसिड का यूज करके वहाँ की सारी चीजों को डिसइंटीग्रेट करने वाला था। ये एसिड थ्रोवर मशीन सिर्फ जनरल की रेटिना से ही ओपन होती है। एरिया 51 तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया था, असली काम तो एरिया 51 के नीचे अंडरग्राउंड एरिया 55 में हुआ करता था। यहाँ पर हम मेन साइंटिस्ट डॉक्टर पेन और डॉक्टर सैडी क्रिसमस को देखते हैं। यहाँ पर सारे सिम्बायोट्स रखे हुए थे जो कि अर्थ पर दूसरे प्लेनेट से आए थे। ये लोग काफी ख्याल रखते थे कि वो सिम्बायोट कहीं बाहर ना निकल जाए, नहीं तो और भी वेनम बन सकते हैं। और यहीं पर देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर वलीगन को भी रखा गया था स्पेशल चैम्बर पे, क्योंकि मलीगन से बॉन्ड बनाया होता है टॉक्सन ने। और यहाँ पर डॉक्टर पेन का काम होता है कि वो टॉक्सन से जान पाए कि इन सिम्बायोट्स का अर्थ पे आने का क्या मतलब है। टॉक्सन उन लोगों को बताता है कि वो क्रिएचर क्लिंटार नाम के ग्रह से आए हैं नल से बचने के लिए, क्योंकि नल को क्लिंटार की जेल से आजाद होने के लिए कोडेक्स चाहिए और वो कोडेक्स वेनम के पास है, मतलब एडी ब्रूक के पास। और अगर नल को कोडेक्स मिल गया तो वो सारे सिम्बायोट्स को खत्म कर देगा। टॉक्सन इन लोगों को ये भी बताता है कि अगर उस कोडेक्स को खत्म करना है तो एडी या वेनम दोनों में से किसी एक को खत्म होना होगा। डॉक्टर पेन टॉक्सन की इस बात पर यकीन कर लेती है, पर जनरल इस बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें किसी भी तरह एडी ब्रूक को पकड़ना था, क्योंकि वेनम एक ऐसा सिम्बायोट था जो कि अर्थ पर अकेला खुला घूम रहा था और जनरल चाहते हैं कि वो अपनी लैब फैसिलिटी पर वेनम को कैद करें। यहाँ दूसरी ओर हम एडी ब्रूक को देखते हैं जो कि प्लेन पे लटक कर न्यूयॉर्क जा रहा होता है, पर क्योंकि प्लेन में लटकने की वजह से एडी को परेशानी हो रही थी तो वेनम अपने फुल फॉर्म पे आ जाता है। और जैसे ही वेनम अपने फुल फॉर्म पे आता है तो जेनोफेज अपने सेंसर से कोडेक्स को डिटेक्ट कर लेता है और वो एक जंप में ही उस प्लेन पे आ जाता है और यहाँ प्लेन पर वो वेनम पर हमला करता है। इसलिए वेनम ना चाहकर भी एडी के अंदर चले जाता है और यहाँ एडी प्लेन से नीचे गिर रहा था, क्योंकि वेनम अपने फुल फॉर्म पे नहीं था तो जेनोफेज भी एडी का पीछा नहीं करता। और यहाँ पर वेनम एडी को बचाने के लिए एक पैरासूट में तब्दील हो जाता है और एडी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। वेनम
वेनम जानबूझ के एडी के अंदर गया होता है क्योंकि वेनम जेनोफेज को देखकर जान चुका था कि वो उसका पीछा कोडेक्स के लिए कर रहा है और वो अपने सेंसर से कोडेक्स को तभी देख सकता है जब वेनम अपने फॉर्म में हो। यहाँ एडी वेनम से पूछता है कि तुम बार बार मेरे अंदर क्यों आ जा रहे हो, जिस पर वेनम कोडेक्स नल और उस क्रिएचर के बारे में एडी को सारा कुछ बताता है। और अब क्योंकि वेनम अपने फुल फॉर्म पे नहीं आ सकता तो यहाँ पर एडी को इस वीरान जगह से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। तभी उन्हें सामने एक घोड़ा दिखाई देता है और यहाँ एडी वेनम से कहता है कि तुम इस घोड़े को बिजली की रफ्तार से भगा सकते हो, मैं जानता हूँ। और फिर हमें एक वेनम हॉर्स दिखाई देता है और यहाँ एडी उस वेनम हॉर्स में बैठकर बहुत तेजी से यहाँ से निकल जाता है और ये लोग एक नदी के पास रुकते हैं। तभी जनरल इन तक पहुँच जाता है। यहाँ जनरल के साथ कुछ और सोल्जर्स भी थे। वो सोल्जर एडी पर वाइब्रेशन वेव से अटैक करता है जिससे कि एडी और वेनम अलग अलग होकर नदी के बहाव के साथ बह रहे थे। यहाँ पर वेनम एडी से बॉन्ड बनाने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है। कभी वो वेनम फिश में बदलता है तो कभी वेनम फ्रॉग पर। पर यहाँ वो सोल्जर वेनम के ऊपर जाल फेंक कर उसे कैप्चर कर लेते हैं। पर किसी तरह वेनम एडी तक पहुँच जाता है और वो उसे बॉन्ड बनाने में कामयाब हो जाता है। पर एडी को सोल्जरों ने घेर रखा था। यहाँ पर वेनम अपना दिमाग लगाकर अपने फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही वेनम अपने फॉर्म में आता है जेनोफेज इस जगह पे पहुँच जाती है और वो वहाँ सारे सोल्जरों को खत्म कर देती है। यहाँ पर एडी भी जंगल की ओर चुपचाप एस्केप कर जाता है। कई घंटों का सफर तय करने के बाद जब एडी उस जंगल से बाहर आता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जो उस जगह पर कैंपिंग कर रहे होते हैं। वो लोग एडी को खाना ऑफर करते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम चाहो तो हम तुम्हें लॉस वेगस तक छोड़ सकते हैं। एट द एंड एडी भी उनकी वैन में बैठकर उनके साथ चले जाता है। मार्कस और उसकी फैमिली एडी को वेगस तक ड्रॉप करके वहां से एरिया 51 के लिए चली जाती है। यहां पर एडी की सीसीटीवी कैमरा में फोटो कैप्चर हो जाती है जिसकी वजह से जनरल को एडी की खबर मिल जाती कि एडी कहां पर है। इसलिए जनरल और ज्यादा सोल्जरों के साथ एडी के लिए निकल जाता है। यहाँ पर एडी वेनम की मदद से अपने कपड़े चेंज करता है और वो वहाँ के एक होटल के कैसीनो में जाता है जहाँ पर एडी की सरप्राइजली मिसेस सो से मुलाकात हो जाती है। और क्योंकि वेनम और मिसेस सो की दोस्ती काफी अच्छी होती है तो मिसेस सो वेनम को डांस के लिए ऑफर करती है। यहाँ वेनम लड़की देखकर भूल जाता है कि उसे अपने फॉर्म में नहीं आना। वो मिसेस सो के साथ डांस करता है। और अब यहाँ पर जनरल और वेनमेज दोनों ही पहुँचने वाले थे तो पहले ही जनरल पहुँच जाते हैं और वो अपनी वेवगन से अटैक करके एडी को वेनम से अलग करके एक कंटेनर में भर लेते हैं और वो एडी और वेनम को अपने साथ लेके एरिया 51 पे पहुंच जाते हैं। और जेनोफेज भी इनका पीछा करते करते एरिया 55 तक पहुंच जाती है, वही अंडरग्राउंड लैब जहां पर सारे सिप्योर्ट्स को रखा गया था। यहां पर वेनम को भी बाकी सिप्योर्ट्स के साथ रखा जाता है। लेकिन डॉक्टर क्रिसमस वेनम को एडी से अलग होकर तड़पता देख रही होती है तो उसे वेनम पर दया आ रही थी। इसके बाद डॉक्टर पेन और डॉक्टर क्रिसमस एडी से पूछताछ करने के लिए उस तक पहुंचती है। तभी यहां पर जनरल आ जाते हैं और वो एडी को मारना चाहते थे। वो काफी गुस्से में होते हैं क्योंकि एडी की वजह से उनके काफी सोल्जर्स मारे गए और वो एडी पर गन चला देते हैं। पर यहाँ पर डॉक्टर क्रिसमस एडी में ट्रांसफॉर्म होकर वेनम को एडी तक पहुँचा देती हैं जिससे कि एडी जनरल की गोली से बच जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर क्रिसमस ने वेनम को आजाद कर लिया था क्योंकि वो जानती है कि सिम्पियोट्स उनके लिए कोई भी खतरा नहीं है। और अब क्योंकि वेनम अपने फॉर्म पे आया होता है तो जेनोफेज कोडेक्स को फॉलो करके यहाँ तक पहुँच जाता है और तबाही शुरू हो जाती है। लैब में रखे सारे सिम्पियोट्स लोगों से बॉन्ड बनाने लगते हैं और इन सिम्पियोट्स ने डॉक्टर पेन और डॉक्टर क्रिसमस से भी बॉन्ड बना रखा था। जैसे कि डॉक्टर क्रिसमस पर लैसोड चढ़ जाता है और डॉक्टर पेन पर अगोनी टॉक्सिन भी वेनम की मदद करता है जेनोफेज से बचाने के लिए। और यहाँ सारे सिप्योर्ट्स वेनम की मदद कर रहे होते हैं क्योंकि कोई भी सिप्योर्ट्स नहीं चाहता कि नल आजाद हो, पर जेनोफेज काफी ताकतवर होता है। यहाँ पर वेनम समझ चुका था कि जेनोफेज को इस तरह नहीं हराया जा सकता जिस एसिड को एरिया 51 को खत्म करने के लिए बनाया गया था। वेनम उसके नीचे जेनोफेज को ले जाके खत्म करना चाहता है। वो वहां जाने से पहले एडी को अपने आप से बाहर निकाल कर वेनम एडी से कहता है कि दोस्त हम फिर मिलेंगे। और उसके बाद वो उस एसिड के नीचे आके अपने साथ जेनोफेज को ले जाकर उस लिक्विड में खत्म कर देता है। उस लिक्विड के गिरते ही ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर यहाँ पर वेनम ने उस लिक्विड को गिराने से पहले एडी के ऊपर एक सील रख दी थी जिससे कि एडी बच जाता है। और उसके बाद एडी की आँख खुलती है। यहाँ पर वो वेनम को पुकारता है पर वेनम अब उसके साथ नहीं होता। यहाँ पर एक जनरल एडी से कहते हैं कि अब वेनम नहीं रहा। पर यहाँ एडी जनरल से कहता है कि वेनम की मुझे जरूरत है, जिस पर जनरल एडी से कहते हैं कि वेनम और तुम एक साथ इस अर्थ पर नहीं रह सकते। जो हुआ अच्छा ही हुआ, तुमने जो इंसानियत के लिए किया उसकी वजह से तुम्हारी पिछले सारी गलतियों को भुला दिया जाता है। अब तुम कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो। अब हमें एडी को अकेला दिखाया जाता है जो काफी लोनली फील कर रहा था। वो वेनम को याद कर रहा होता है क्योंकि वेनम के अलावा उसका और कोई नहीं था। अगर आप लोग को याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग में वेनम ने एक बार पर अपना एक पार्ट छोड़ दिया था तो लगता है शायद उससे कुछ हो सकता है। आगे चल के शायद फिर एडी की मुलाकात वेनम से हो। और अब हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से दिखाया जाता है कि नल
नल कह रहा है कि अंधेरे का देवता अब वापस आ रहा है, वो तुम्हारी दुनिया को खत्म कर देगा। और हमें नल का चेहरा दिखाया जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और मूवी समाप्त हो जाती है। आपको क्या लगता है वेनम 4 भी बनेगी? कमेंट करके बता सकते हो।